A very good morning to all of you. I welcome you all once again to my channel, and today I am going to discuss a very important and you can say basic and most used topic in psychology as well as education, that is intelligence testing. Okay, and for further update kindly join my Telegram group Explore Education, and I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. This lecture is in bilingual mode, Hindi as well as in English, and subscribe my channel if you like my content and the delivery, and this video will be useful for certain teaching examinations. Okay, so शुरू करने से पहले हम लोग इंटेलिजेंस पर इतनी बात कर चुके हैं, बुद्धि एज अ कंस्ट्रक्ट, इंटेलिजेंस एज अ कंस्ट्रक्ट पर इतनी बात हो गई है कि मुझे लगता है कि आप इंटेलिजेंस को अब बेहतर तरीके से समझते हैं. उसमें से सिर्फ इंटेलिजेंस टेस्टिंग या मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस का पोर्शन रह गया था, जिसमें से कि जब हम हिस्ट्री ऑफ आईक्यू हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपसे शेयर किया था हिस्ट्री ऑफ आईक्यू, तो उसमें हमने अल्फ्रेड बिने साइमन टेस्ट और स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट को हल्का सा कवर किया. लेकिन इन जनरल इंटेलिजेंस टेस्टिंग पर एक बार बात हो जाए, फिर हम बिने साइमन एक बार ले लेंगे, एक बार स्टैनफोर्ड बिने और एक बार वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल और वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन. तो मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा इंटेलिजेंस का, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछे जाते हैं, और जब आपसे थ्योरेटिकल प्रश्न पूछा जाता है लॉन्ग आंसर, तो वो आपसे सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं पूछते हैं, बल्कि उसमें क्वेश्चन ये भी ऐड कर देते हैं कि हाउ डू यू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ ए यू कैन से 18 ईयर ओल्ड बॉय, 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, या कुछ इस तरीके का. तो इंटेलिजेंस टेस्टिंग का सवाल एक साथ में पूछते हैं, इसलिए इंटेलिजेंस टेस्टिंग भी आपको पता होनी चाहिए. ओके, तो शुरू करते हैं. क्या है इंटेलिजेंस टेस्टिंग? इंटेलिजेंस टेस्ट्स आर सीरीज ऑफ टास्क डिजाइंड टू मेजर द कैपेसिटी टू मेक एब्स्ट्रैक्शंस, टू लर्न एंड टू डील विद नोवेल सिचुएशंस. यानी कि हमने जो कुछ भी इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, उसको हम नाप लें, नाप सकें, यही बुद्धि परीक्षण है. बुद्धि परीक्षण में हम क्या करते हैं, बुद्धि को नापने की कोशिश करते हैं. तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए बुद्धि क्या है. तो हमने बहुत सारे तरीकों से, बहुत सारे सिद्धांतों से जानने का प्रयास कर लिया है कि वॉट इज इंटेलिजेंस. ओके, देन एन आईक्यू टेस्ट इज एन असेसमेंट दैट मेजर्स अ रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड प्रोवाइड्स अ स्कोर दैट इज इंटेंडेड टू सर्व एज अ मेजर ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज एंड पोटेंशियल. आईक्यू या इंटेलिजेंस कोशेंट क्या है? ये एक असेसमेंट है जो कि क्या मेजर करता है, रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी कि हम कितने प्रकार का की संज्ञानात्मक योग्यताओं का प्रसार हम रखते हैं अपने अंदर, और हमको एक स्कोर दे देता है जो ये बताता है कि हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज और पोटेंशियल का यही एक मेजर है, ये एक स्कोर है जो समतुल्य है हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज के. और क्या है, क्रिटिक्स हैव चार्ज्ड. अच्छा, पहले इसको नीचे वाले को ले लेते हैं. आईक्यू और इंटेलिजेंस कोशेंट इज अ नेम गिवन टू द स्कोर ऑफ द बिने साइमन टेस्ट. जब बिने साइमन टेस्ट बन गया था, तो जो उसका स्कोर निकल के आया, उसको आईक्यू का नाम दिया गया था. बट दीज डेज द फ्रेज आईक्यू डज नॉट अप्लाई टू द बिने साइमन टेस्ट ओनली, बट इट इज यूज्ड टू जनरली डिनोट इंटेलिजेंस और ए स्कोर ऑन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट. है ना, जैसे कि कोई नाम बहुत पॉपुलर हो जाता है तो हम लोग उसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं किसी भी और चीज के लिए. जैसे एक बहुत कॉमन से एग्जांपल, जैसे वॉशिंग पाउडर मांगना होता है, तो अभी भी आप गांव में या इधर उधर, तो जिन जो स्पेसिफिक चीजें नहीं जानते वहां चले जाइए, तो वो बोलेंगे सर्फ दे दो. है ना, तो सर्फ का मतलब कि वो सारे प्रकार के वॉशिंग पाउडर को कवर करता है. उसी तरह से आईक्यू का मतलब पहले सिर्फ बिने साइमन टेस्ट के लिए दिया गया इसको, लेकिन अब कोई भी इंटेलिजेंस टेस्टिंग करिए, आप उससे जो निकल कर आएगा स्कोर, उसको आईक्यू नाम दे देते हैं, ये कहने का मतलब है. और देखने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया है इंटेलिजेंस टेस्टिंग, इंटेलिजेंस टेस्ट बन गए और हमको पता चल जाएगा हमारा आईक्यू क्या है, फिर हम अपने आप को उस हिसाब से हम एबिलिटी ग्रुपिंग करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं. बट इसका डिलिमिटेशन भी है. क्या है डिलिमिटेशन इसके साथ? क्रिटिक्स हैव चार्ज्ड दैट इंटेलिजेंस टेस्ट्स फेवर ग्रुप्स फ्रॉम मोर एफ्लुएंट बैकग्राउंड्स एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट लेस प्रिविलेज्ड रेशियल, एथनिक और सोशल ग्रुप्स. कैसे आया ये निकल के? वो कह रहे हैं कि जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है ना, वो एफ्लुएंट बैकग्राउंड को ही फेवर करते हैं, और जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, चाहे वो रेशियल दृष्टि से हो, एथनिक दृष्टि से हो, या सोशल दृष्टि से, सोशल ग्रुप्स, उनके संग ये विभेद करते हैं. कैसे?
कैसे हुआ ये? क्यों? क्योंकि जब टेस्ट बनाए गए तो उसके जो प्रश्न हैं वो उसी एरिया को कवर करते हैं जो एफ्लुएंट बैकग्राउंड के लोग, जिसको रोजमर्रा की जिंदगी में जिनका यूसेज है, या जो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए हमने सैंपल लिया है वो अगर रिप्रेजेंटेटिव एफ्लुएंट बैकग्राउंड का ही है तो फिर लेस प्रिविलेज लोग तो वैसे ही डिस्क्रिमिनेशन शो करेंगे इसके साथ, है ना? ये मतलब है अगर आप समझ पा रहे हैं तो। देन कॉमन इंटेलिजेंस टेस्ट, जिनकी बार बार बात होगी, जिनको बार बार आप उनका नाम आपको पता होना चाहिए, तो वो कौन कौन से हैं? बिने साइमन। बिने साइमन के बिना तो खत्म और शुरू नहीं होता इंटेलिजेंस टेस्टिंग, क्योंकि जब आप हिस्ट्री ऑफ आईक्यू पे जाएंगे, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग पे जाएंगे, आपको हर बार बिने साइमन पढ़ना है। तो बिने साइमन टेस्ट किसने बनाया? अल्फ्रेड बिने ने। फिर स्टैनफोर्ड बिने के बाद आता है, ये किसने बनाया? लुईस टर्मन ने। हमने पहले भी आपको बताया कि लुईस टर्मन ने बनाया, लेकिन नाम उनका इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि चूंकि बिने के टेस्ट का एडेप्टेशन है इसलिए बिने का नाम है, और ये जो टर्मन साहब है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे इसलिए उन्होंने स्टैनफोर्ड का नाम यूज किया, अपना नाम यूज नहीं किया। तो अक्सर कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको याद होना चाहिए। देन इसमें कुछ कमियां थी, उसको सुधारते हुए डेविड बेशलर का, डेविड बेशलर, देखिए सारे नाम आपको पता होना चाहिए, आप कहीं ना कहीं उसको इंटररिलेट करते हुए चलेंगे तो याद रहेगा। डेविड बेशलर की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इंटेलिजेंस की, ग्लोबल कैपेसिटी वाली, है ना? बहुत फेमस डेफिनेशन है, बहुत इसको होलिस्टिक मानते हैं। तो डेविड बेशलर ने दो टेस्ट बनाए, एडल्ट के लिए अलग बनाया और चिल्ड्रन के लिए अलग बनाया। फिर उन्होंने प्री प्राइमरी के लिए भी बनाया, तो बहुत काम है इनका इंटेलिजेंस पर। फिर कॉफमैन असेसमेंट बैटरी फॉर चिल्ड्रन, लेस पॉपुलर है यहाँ इंडिया में, लेकिन ऐसे पढ़ी पढ़ाई जाती है, टेस्ट इससे किया जाता है, कॉफमैन एंड कॉफमैन। फिर वुडकॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, किसने बनाया? रिचर्ड वुडकॉक एंड मैरी जॉनसन ने। देन हमने अभी रिसेंटली पास थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ी है दास एंड नागलियरी की, उन्होंने भी अपना एक असेसमेंट सिस्टम बनाया है, CAS, कॉग्निटिव असेसमेंट सिस्टम। ओके, ये तो एक तरीके से आप कह सकते हैं, एक तरीके से क्या, टोटली ये वेस्टर्न इंटेलिजेंस के टेस्टिंग के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, करना चाहिए था, कि इंडियन एडेप्टेशन की अगर बात करें तो भाटिया बैटरी टेस्ट बहुत पॉपुलर है इंटेलिजेंस मेजरमेंट के लिए, और बहुत साइकोलॉजी की लैब्स में, एजुकेशन की क्लासेस में, एजुकेशनल साइकोलॉजी में भाटिया बैटरी बहुत कराया जाता है, और बहुत प्रश्न भी पूछा जाता है इससे। क्यों? क्योंकि सिलेबस में होता है, तो भाटिया बैटरी पर भी टाइम मिलेगा तो बात कर लेंगे एक दिन। तो ये कुछ कॉमन इंटेलिजेंस टेस्ट हैं जिनके नाम उनके निर्माणकर्ता के साथ आपको याद होने चाहिए। ओके, देन ये थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। तो वेल, यूज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या है, क्या यूसेज है? अच्छा, इस यूसेज की क्या जरूरत है? जब हम लोग बुद्धि परीक्षण करते हैं, जब हम उसको परीक्षण के रूप में, टेस्ट के रूप में साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी में करते हैं, तो हमसे अक्सर पूछा जाता है कि व्हाट इज द यूसेज ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग, है ना? आपसे वाइवा में भी पूछा जाता है, क्या फायदा है इंटेलिजेंस टेस्ट करके, मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? एजुकेशनल असेसमेंट एंड प्लेसमेंट, हम आपका शैक्षिक आकलन कर सकेंगे और आपको उसी हिसाब से प्लेस कर सकेंगे, ना? अगर आप काउंसलर की भूमिका में हैं, अगर आप प्लेसमेंट ऑफिसर की भूमिका में हैं, या आप सीधे ऑर्डिनरी क्लासरूम टीचर ही हैं, तो भी आपको जब हम गाइडेंस काउंसलिंग की बात करते हैं तो आप अपने स्टूडेंट को गाइडेंस दे सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में तुम अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हो, अगर तुम्हारी इंटेलिजेंस अबव आईक्यू निकल कर आ रही है तो, अबव एवरेज निकल कर आ रही है तो। देन असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, पता चल सकता है कि वो छात्र जो है वो प्रतिभाशाली बालक है, या छात्र जो है वो एवरेज से कम आईक्यू शो कर रहा है, तो उसको फिर हम उसी हिसाब से डायग्नोस करेंगे, फिर उसकी रेमेडी प्रदान करेंगे। देन कॉग्निटिव रिसर्चेस में इंटेलिजेंस टेस्टिंग का कितना इंटेलिजेंस पर काम हुआ है, ओ माय गॉड, बहुत काम हुआ है, तो रिसर्चेस में इस टेस्टिंग का यूसेज होता है। देन जॉब कैंडिडेट इवेल्युएशन, देखिए आप जब भी इंटेलिजेंस टेस्टिंग का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जिसने भी जब भी बनाया टेस्ट तो वो आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बनाया है ना। क्यों? क्योंकि आर्मी में हम चाहते हैं कि बेस्ट कैंडिडेट वहाँ अपनी सर्विंग दे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अडेप्टेशन है, आपको हर तरीके से अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से रिएक्शन देना है, तो वहाँ पर इंटेलिजेंट लोग ही रहें तो बेहतर सर्विंग दे सकते हैं। हेंस जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट शुरुआत में बनाए गए हैं फ्रेंच बिने साइमन छोड़कर, उसको वो आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, इस तरीके के हैं कि जॉब आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए, तो जॉब कैंडिडेट इवैल्यूएशन। और जितने भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं उसका कुछ हिस्सा
इंटेलिजेंस टेस्टिंग का ही होता है, जिससे हमारी आईक्यू जज की जा सके. देन असेसिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज इंक्लूडिंग मेमोरी स्पीड एंड अटेंशन. हमारी मेमोरी की जांच हो सकती है, गति कितनी तेजी से हमको सीक्वेंस में चीजें याद हो गई और हमने उसको उसी तरह से बता दिया, हमारा अटेंशन स्पैन कितना है, ये सारी चीजें. तो और भी बहुत कुछ हो सकता है, पर ये मेन हिस्से हैं, मेन यूसेज है इंटेलिजेंस टेस्टिंग का. ओके, देन हम क्या कंक्लूडिंग रिमार्क दें इंटेलिजेंस टेस्ट को. कॉफमैन एंड नागलियरी हैव एक्सपेंडेड द होराइजन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग. जो आपकी शुरुआती टेस्ट है, मैं ज्यादातर जी नाप रहे हैं ना. जी क्या है? जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एबिलिटी. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो थियरीज बन रही थी वो ही यही बात बता रही थी ना कि एक हमारी यूनिटरी इंटेलिजेंस है, वो सारे प्रकार के हमारी एबिलिटीज में यूज हो रही है, इस तरीके की बातें हो रही थी. वो तो बात की थियरीज ने जी के नोशन को तर्क से गलत सिद्ध करने की कोशिश की, या ये कहा कि सिर्फ जी नहीं है. इसी तरह से कॉफमैन और नागलियरी क्या कर रहे हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस टेस्टिंग विस्तार बढ़ा रहे हैं. क्यों? क्योंकि सिर्फ जी को ना नापिए. अगर सिर्फ जी को नापेंगे तो क्या होगा कि हम गलत आईक्यू आपका बता देंगे, मतलब आप बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि इंटेलिजेंस ओनली जी नहीं है, लेकिन हम आपको लेबल क्या दे देंगे कि आप बिलो आईक्यू वाले हैं, बिलो एवरेज वाले हैं. तो क्या है, एक तरीके से स्टिग्मा है ना कि हम भाई जिस टेस्टिंग हुई और जिसका आईक्यू बढ़िया निकल कर आया वो तो एकदम क्लास में, मतलब एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे, और एवरीबॉडी की अरे वाह तुम्हारा बहुत बढ़िया, और जिसका कम निकल कर आया उसे कहा जा रहा है, वो खुद भी हतोत्साहित हो जाएगा कि मेरा आईक्यू तो इतना ही है, फिर मैं ये कोर्सेज नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता. बट ये डिपेंड करता है ना कि जिस टेस्टिंग को आपने उनको पर अप्लाई किया वो क्या सही मेजरमेंट कर रहे हैं. इसलिए हमको इंटेलिजेंस टेस्टिंग को एकदम सटीक रखने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद हम आपको लेबल कर देते हैं कि आप अबव एवरेज हैं, आप बिलो एवरेज हैं. ओके, तो सिर्फ कॉफमैन एंड नागलियरी ने ये काम नहीं किया, बट दीज आर नॉट ओनली टू, देयर आर अदर रिफॉर्मर्स टू. और लोगों ने भी हमको समझाने की कोशिश की कैसे, जैसे डेनियल गोलमैन समझाते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में, हॉवर्ड गार्डनर हमको मल्टीपल इंटेलिजेंसेज में समझाते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेज है, ओनली नॉट ओनली जी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग हमको ट्रायार्किक थ्योरी में बताते हैं कि सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस को भी नापिए. दीज वेरी डिफरेंट थेरीज हैव वन थिंग इन कॉमन. इन सारी थेरीज में कौन सी एक चीज कॉमन है? द एजम्पशन, ये मूलभूत मान्यता, दैट ट्रेडिशनल थेरीज एंड टेस्ट्स फेल टू कैप्चर एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस. कि जो हमारी ट्रेडिशनल थेरीज हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल टेस्ट हैं, वो हमारा सही आकलन नहीं करते हैं बुद्धि का. इसलिए हमको उसके बाद आपकी लेबलिंग नहीं करनी चाहिए और आपको उस हिसाब से प्लेसमेंट नहीं देना चाहिए. तो कहने का क्या मतलब कि पहले सटीक इंटेलिजेंस टेस्ट हो और तब उसके हिसाब से बात की जाए. ओके, लेकिन फिर भी पुराने टेस्ट हमको पढ़ने पढ़ाने हैं. क्यों? क्योंकि वो शुरुआती दौर था, तब उतनी जानकारी नहीं थी. अब जो नए टेस्ट बन रहे हैं वो बहुत सारी एबिलिटीज को कवर करते हुए बन रहे हैं. ओके, तो हम बात आपसे बिने साइमन स्टैनफोर्ड बिने और वेशलर की करना चाहते थे, पर ये जनरल चीजें उसमें रह जाती हैं, इसलिए मैंने इसके लिए एक अलग से आपसे बात करने की कोशिश की. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेंगे एक बार बिने साइमन टेस्ट, एक बार स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट एंड एक बार वेशलर्स के, टाइम मिलेगा तो भाटिया बैटरी. ओके, देन आई कैन से दैट मैक्सिमम पोर्शन, अगर कुछ रह गया हो तो, इंटेलिजेंस का मैं आपके संग शेयर कर चुकी हूं. तो ये एक टॉपिक आपका तैयार हो जाना चाहिए. ओके, थैंक यू ऑल, डन फ्रॉम माय साइड.